आपके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि आप जैसे ही उनके माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं? वो आत्मा नाचती है या उन लोगों का शरीर नाचता है, क्या है? राव सर, के मेरे हाथ रखने से, जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, वो आयत मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों 8:17 में, परमेश्वर के दास लोगों ने हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है, प्रेरितों 1:8 में लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा भर जाते हैं। फन के सिर पर आप हाथ जैसा रख रहे हैं और अचानक जो महिलाएं हैं वो उछलती जा रही हैं, वो उछलने लग रही हैं जैसे आप हाथ रख रहे हैं, क्या यही वो आपकी प्रेयर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? और ऐसा मुमकिन कैसे हो जाता है? मतलब मैं किसी के हाथ रखूं और वो उछलने लगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारा सिद्धांत जो है पवित्र बाइबल है, हम लोग पवित्र बाइबल में जो लिखा है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। पवित्र बाइबल में प्रेरितों के काम 8:17 में लिखा है, तब पतरस और योना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों के काम 19:6 में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जैसे परमेश्वर के दास जो चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग हैं, वो उनके ऊपर हाथ रखते हैं और परमेश्वर जो है उन्हें पवित्र आत्मा का जो है वो गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं। ठीक है, तो ये तो परमेश्वर देते हैं ना, बिशप अमरदीप जी के हाथ से कैसे वो काम हो रहा है जो परमेश्वर के हाथ से होता है, ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से होता है, इसमें कोई शक है ही नहीं है। हमारे यहाँ चर्च में हम लोगों ने बहुत एक बड़ा फ्लेक्स लगा रखा है, बहुत सालों से लगा रखा है, कि ऊपर लिखा है कोई भी चमत्कार मेरी भक्ति या मेरी शक्ति से नहीं होता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है, बिशप अमरदीप, ऐसा करके हम लोगों ने लिख कर ला रखा है चर्च के अंदर। तो मतलब हाथ भले ही रख रहे हैं आप, लेकिन उस वक्त आप नहीं, आप कह रहे हैं सीधे परमेश्वर जो है वो अपना हाथ रख रहे हैं। हाँ, ऐसा क्योंकि मतलब आप देखिए अनुराग जी, ये जो बाइबल में है, बाइबल में प्रेरितों के कार्य 8:17 में साफ लिखा हुआ है कि पतरस जो चेला था परमेश्वर मसीह का, यूहन्ना था। ठीक है, मैं इसलिए मैंने यहाँ किया हुआ कि ताकि मैं आपको सेम टू सेम पढ़कर सुना सकूं। जी, हो सकता है हमारे साथ कोई बात नहीं, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। मेरे द्वारा कोई चमत्कार नहीं होता, ये मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए हैं चर्च के अंदर। पर ये नाचना शुरू क्यों कर देते हैं? दूसरी बात, बिशप अमरदीप जी और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर एक साथ नहीं होती कभी भी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, ये नाचना क्यों शुरू कर देते हैं? कौन सी आत्मा आती है इनके अंदर, जब एक आत्मा पहले से ही उनके अंदर होती है और आप हाथ लगाते हैं और हाथ लगाते फिर दूसरी आत्मा उसके अंदर इनपुट होती है और वो फिर कहीं ना कहीं उछलना शुरू कर देते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा एक साथ एक व्यक्ति के अंदर रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब जब आप हाथ रखते हैं बिशप अमरदीप जी, जब आपने हाथ रखा और दुष्ट उस वक्त उसके ऊपर प्रेत आत्मा थी, जैसे ही आपने हाथ रखा तुरंत उसके अंदर दिव्य आत्मा घुस गई, ये माइक्रोसेकंड्स में हो रहा है, क्योंकि सांस तो वो ले रहा है इंसान, मर तो नहीं रहा है, ये माइक्रोसेकंड्स में हो रहा है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब देखिए जिसमें दुष्ट आत्मा होती है और जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं और वो जो है मतलब वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा वो जो होती है उसके अंदर जो होती है वो प्रकट हो जाती है और वहाँ वो रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा के साथ वो ऐसा कर रहा है। और जो पवित्र आत्मा वाले हैं, जिनको पवित्र आत्मा मिला है, वो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरती है। आपके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि आप जैसे ही उनके माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं? वो आत्मा नाचती है या उन लोगों का शरीर नाचता है, क्या है? रव सर, के मेरे हाथ रखने से, जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, वो आयत मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों 8:17 में, परमेश्वर के दास लोगों ने हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है, प्रेरितों 1:8 में लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा भर जाते हैं।